अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ बुक के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लाए हैं जो कि ना सिर्फ आपके अंदर कुव्वत और ताकत का समंदर पैदा करेगा, बल्कि आपके चेहरे में भी लाली पैदा करेगा और आपके आंसू में भी लाली पैदा करेगा। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ताकत में भी कमी आ गई है, मादा भी कम बनता है और उसके अलावा हमारे जिस्म में बड़ी सुस्ती रहती है। हम बिस्तरी करने को तो दिल ही नहीं करता। बीवी अगर हम बिस्तरी का नाम ले तो दिल करता है मुंह दूसरी तरफ लगा दें। यानी कहने का मतलब ये है कि ताकत नाम की चीज़ ही नहीं रही, क्योंकि खून की कमी है। ये सारी बहारें खून की वजह से ही होती हैं। अगर आपका खून बनना शुरू हो जाएगा और साफ और नया खून बनेगा, तभी आपके अंदर ये बहारें आएंगी। आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ, उस नुस्खे को जब आप सुनते जाएंगे तो आप मुतमिन हो जाएंगे। इस्तेमाल करना तो खैर दूर की बात है, बल्कि आप मुतमिन हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हेल्थ बुक चैनल के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए फौरन से वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए ज़ाफ़रान, तकरीबन 1 तोला की मकदार में। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सौंफ, तकरीबन आधा पाव की मकदार में। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपको चाहिए देसी चीनी यानी शक्कर, एक पाव की मकदार में। अब सब चीज़ों को कूट कर महफूज कर लेना है और एक माशा सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है आपने। ये नया खून पैदा करता है, चेहरे का रंग सुरख सेब की तरह कर देता है। इसके इस्तेमाल से चंद यौम के अंदर ही आप तब्दीली महसूस करेंगे और ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यकीन जानिए, आपका चेहरा इतना सुर्ख हो जाएगा कि लड़कियां आप पर फिदा हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।